हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का दिन है, आदि जा चुका है स्कूल एंड सिरला जी भी जा चुके हैं ऑफिस। तो अथर्व की छुट्टी है क्योंकि एवरी सैटरडे अथर्व की छुट्टी रहती है। तो मॉर्निंग में ही माइंड में आया कि कभी कभी हमें अपनी केयर भी करनी चाहिए। सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना ध्यान देंगे, ये अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो हम अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो यही सोच के काफ़ी दिन पहले मैं अपने लिए लेके आई थी कुछ बहुत मेहंदी के पैकेट्स, जो मुझे सर पर लगानी थी क्योंकि सर में ना बहुत सारे बाल जो है वाइट हो चुके हैं। बट आज कल करते करते टाइम ऐसे निकल गया, कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर मैंने आज मॉर्निंग में ही माइंड बनाया कि आज मैं अपने सर पे मेहंदी डाल लूँगी। तो मॉर्निंग में मैंने सिर्फ इसमें एलोवेरा मिलाया और इसको अच्छे से घोल के रख दिया। देन उसके बाद मैंने इस तरीके से देखिए अपने सर पे पूरी मेहंदी कर ली। और इस तरीके से आप मेहंदी करते हैं तो आपको क्लेचर की या क्लिप की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका जूड़ा काफ़ी अच्छे से बन जाता है और जो मेहंदी है ना वो बालों के जड़ों तक पहुँच जाती है। तो मेहंदी जब मैं लगाती हूँ ना अपने सर पर, हमेशा जब भी सर पर मैं मेहंदी डालती हूँ ना, उसके बाद ना मैं घर, उससे पहले मैं घर का कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि उस टाइम के बाद अगर घर का काम करो ना तो मेहंदी सूख भी जाती है, काम भी हो जाता है और जो हाथों में लगी हुई मेहंदी ना वो भी निकल जाती है। तो सबसे पहले जो कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए, मैं उनको यूज़ करूँगी, उनके साथ फटाफट से कपड़े को धुल दूँगी। क्योंकि अभी क्या था कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा मेहंदी लगी हुई थी और नॉर्मली मैं हाथों से ही मेहंदी अपने सर पर लगाती हूँ। देन उसके बाद फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है कि जिस टाइम पर हमारी मेहंदी लगी होती है ना, उस टाइम पर अगर हम फटाफट से पानी से या डिटर्जेंट से अपने हाथ को वॉश करें तो मेहंदी काफ़ी जल्दी निकल जाती है। और आजकल की मेहंदियाँ आपको पता ही है कुछ ज़्यादा ही रस्ती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ पूरे के पूरे रेड हो रखे हैं और इसी वजह से मैंने कहा सबसे पहले मैं बर्तन और कपड़े, जो दो चीज़ें हैं ना, वो वॉश कर लूँगी, जिससे क्या होगा कि मेरी जो मेहंदी है पूरे अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो उतने अच्छे से तो नहीं, बट ये होता है कि हाँ अगले दिन तक आपके हैंड पूरे साफ हो जाते हैं। तो घर का कुछ भी काम नहीं कर रखा था, बट स्टार्टिंग मेरे कपड़े धोने से ही थी। कुछ बहुत कपड़े थे जो मैंने अभी लगा रखे हैं वॉशिंग मशीन में, जो हमारे डेली यूज़ के होते हैं। देन उसके बाद जाके ही मैं अभी करके और काम करना स्टार्ट करूँगी। और जब तक मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे, मेरी सर की मेहंदी भी सूख जाएगी। तो देखिए सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, उसके बाद हल्का सा मशीन में इनको सुखा लिया था। तो ये जो पॉली है ना, ये काफ़ी पुरानी है। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम इसमें अपना ना सामान पैक करके लाए थे और हमने इसको वॉशिंग पॉइंट के ऊपर रखी थी, बट ना कबूतरों ने ना इसमें बच्चे अंडे सब दे दिए थे और ये पन्नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो फिर नाइट को सिरोज ने उस पूरी पन्नी को निकाला, जब वो कबूतर के बच्चे उड़ गए ना उसके बाद, और फिर उसके बाद इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद नाइट भर ये सूखा। तो मैं इनसे क्यों सबसे पहले इसको फोल्ड करके अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि अगेन जब भी हम ट्रैवल करेंगे या कहीं भी जाएंगे तो ये जो पॉली है वो हमें हमेशा चाहिए होगी, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैक करने के लिए। और देन जितने बर्तन मैंने हैंड से वॉश कर रखे थे ना, वो सारे कपड़े जो है वो मैं फटाफट से धूप में डाल लूँगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी मैं कपड़े डालती ना कहीं सर से ना मेहंदी लग ही जा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने फटाफट से जो तार है जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है उसको फटाफट से साफ़ कर लिया था। और आप देख सकते हैं हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, इससे पता चलता है कि फरवरी का महीना आ चुका है। जैसे कि हम लोग बेसिकली उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ तो ना फरवरी के टाइम पे काफ़ी तेज़ हवा चलती है। और अभी देखिए मऊ में भी हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे मैंने सारे रूम्स स्टार्ट कर लिए थे क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा मंदिर वाला रूम था, मैं वहाँ आ चुकी थी, नाइट को ही सारे कपड़े जो थे ना वो फोल्ड करके रख लिए थे, बट इनको उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा था, पूरा रूम ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं, कपड़े धुल चुके थे, उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से पूरा जो बेड है उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और जो ये कपड़े हैं उसको अपनी अपनी जगह में रख लेते हैं। इससे क्या होगा, घर का बहुत सारा काम भी हो जाएगा और दूसरी बात ये कि जो बेड है पूरा क्लीन हो जाएगा। और जब भी हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हम बेड ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारा बेड, आधा जो हमारा जो बेडरूम है या आधा जो हमारा रूम है, वो ऑटोमेटिक ही क्लीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको साइड में रख लिए थे मैंने, और जितने कपड़ों को फोल्ड करना बचा हुआ था उनको फोल्ड कर लिया था। तो यही होता है कि इवनिंग के टाइम पे कभी कुछ काम हो जाते हैं। और कपड़े ये थे कि सबके कपड़े इसमें मिक्स थे, तो सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर लिए थे। देन उसके बाद मैं लेके आई थी जो मेरे चादर थे ना उनको,
क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा विंटर में अलग और समर में अलग चादर यूज़ करती हूँ, तो विंटर की जो चादर है उनको मैं आप सोच रही क्यों ना मैं इनको रख लेती हूँ, क्योंकि अब ना यहाँ पे गर्म होने लग गया है और अभी तो नाइट के टाइम पे भी ओढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं इनके बैग रखे हुए थे जो वो लेके आई थी। और अब ये बैग को ना मतलब चादर तो ठीक है, बट इस बैग को भी काफ़ी साल हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने ये दोनों को दोनों लिए थे ना चादर, तब मैंने ये जिसका कवर है तब से मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अगर चीज़ों को संभाल के रखो ना तो वो वैसे ही रहती है और लंबे समय तक चलती है। तो ये देखिए मैंने फटाफट से दोनों के दोनों जो हमारे जो बेडशीट हैं विंटर वाली उसको मैंने फटाफट से कर दिया है रेडी और पैक हो चुकी है। तो अभी सीधे जाएंगे दीवान बेड के अंदर, जो मेरा बेड है उसके अंदर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। एंड नेक्स्ट लास्ट ईयर जब अभी विंटर का टाइम आएगा, जब विंटर होंगे तो उस टाइम पे अगेन इसका यूज़ करूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ अभी। और मैंने निकाल लिए हैं कॉटन के चादर, तो कॉटन के चादर नॉर्मली देखिए मैंने बिछा भी रखा है। और ये देखिए मेरा सामान हो चुका है पैक, और उसके बाद घर के और जो काम है वो एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। बच्चों के जो कपड़े हैं स्कूल से आने के बाद आदि क्या पहनेगा, उन कपड़ों को ना मैं पहले से ही बेड पर रख लेती हूँ ताकि आदि को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो फटाफट से जाए और बेड से फटाफट से कपड़े ले ले। तो सारे रूम लगभग ऑर्गेनाइज हो चुके थे, तो उसके बाद बारी आती है झाड़ू मारने की। क्योंकि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी मैं रूम झाड़ू मारती हूँ उससे पहले ही मैं अपना रूम सारा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही झाड़ू मारती हूँ। तो रूम तो सारे ऑर्गेनाइज हो चुके थे और अब फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। तो आप देख सकते हैं अभी मेहंदी भी उतने अच्छे से नहीं सूखी हुई है, तो काम करते रहो और मेहंदी सूखती रहेगी। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि हम बैठ तो जाते हैं बट हम लेट नहीं सकते, अगर हम कहीं पर भी लेटेंगे ना तो सर की मेहंदी उस जगह में लग जाती है और कोई भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो हमेशा जब भी मुझे मेहंदी लगानी होती है ना मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं मेहंदी पहले लगा लेती हूँ उसके बाद काम कर लेती हूँ, और जब तक सारा काम हो जाएगा तब तक आपकी सर की मेहंदी भी काफ़ी जल्दी सूख जाएगी। और ये करना भी चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि हम ही हैं, अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगे। तो कुछ बहुत हमें अपनी सेल्फ केयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं झाड़ू यहाँ पे मैंने लगा लिया है और कूड़ा सारा का सारा मैंने यहाँ पे उठा लिया। तो कुछ बहुत कूड़ा था जो नहीं उठा था तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। एंड दूसरी बात ये भी है ना कि झाड़ू में बहुत सारे बाल आ रहे हैं क्योंकि हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं बाल भी निकालने में थी झाड़ू से, और थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से कूड़ा उठा ताकि सारा का सारा जो कूड़ा है वो एकदम साफ़ हो जाए। तो देन उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैंने इस साइड पे पोछा लगा लिया था। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी मैं पोछा मारती हूँ उसके बाद मैं फटाफट से मैं सोफ़े को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं और जगह पोछा मारती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोछा मारने के बाद मैंने फटाफट से अपने सोफ़े यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, सोफ़े के पिलोज़ यहाँ पे रख लिए थे, और उसके बाद जो पूरा रूम है वहाँ पर मैं फटाफट से पोछा मारती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी सीधे शावर लेने के लिए। तो आज के ब्लॉग को हम यही पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।